नाजरीन, WWE के होने वाले बड़े इवेंट फास्ट लैन में कौन कौन से बड़े मैचेस कंफर्म हो चुके हैं और ये कब होगा। इसके अलावा WWE का एक बड़ा लेजेंड जो कि अब WWE को छोड़कर जा रहा है और AEW यानी ऑल एलीट रेसलिंग प्रमोशन के दूसरे शो की भी डेट और वेन्यू कंफर्म हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में ये तमाम अपडेट्स पर इन डिटेल आपको बताएंगे। तो नाजरीन, WWE का बड़ा इवेंट फास्ट लैन के लिए तमाम मैचेस बुक हो चुके हैं जिसमें मुकम्मल 8 मैचेस कंफर्म हुए हैं, जिसमें सबसे पहला मैच रेमेस्टेरियो वर्सेस एंड्राडे के दरमियान खेला जाएगा जो कि एक सिंगल मैच होगा। दूसरा मैच स्मैकडाउन के टैग टीम का कंफर्म हुआ है जो खेला जाएगा द उसोज वर्सेस द मिज एंड शेन मैकमैन के दरमियान, और ये मैच स्मैकडाउन की टैग टीम टाइटल के लिए खेला जाएगा। तीसरा मैच रॉ की टैग टीम के लिए कंफर्म हुआ है जिसमें द रिवाइवल वर्सेस एलिस्टर ब्लैक एंड रिकोशेट वर्सेस चैड गैबल एंड बॉबी रोड के दरमियान ट्रिपल थ्रेट मैच रॉ की टैग टीम टाइटल के लिए खेला जाएगा। चौथे मैच की बात करें जो कि विमेन टैग टीम के टाइटल के लिए खेला जाएगा, जिसमें बैली एंड शासा बैंक्स अपने टाइटल को डिफेंड करेंगी नाया जैक्स और तमीना के खिलाफ। पांचवा मैच जो कि स्मैकडाउन की WWE चैंपियनशिप के लिए कंफर्म हुआ है, जिसमें डैनियल ब्राइन फेस करेंगे केविन ओवंस को। छठा मैच स्मैकडाउन की विमेन चैंपियनशिप के लिए कंफर्म हुआ है जो कि आस्का वर्सेस मैंडी रोज के दरमियान खेला जाएगा। सातवां मैच शर्ली फ्लेयर वर्सेस बैकी लंच के दरमियान कन्फर्म हुआ है जो कि एक सिंगल मैच होगा, जिसमें अगर बैकी लंच मैच जीत जाएंगी तो वो रसलमेनिया में रॉ विमेन चैंपियनशिप के मैच के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। आठवां और सबसे दिलचस्प मैच जो कि द शील्ड के रीयूनाइट होने के बाद कंफर्म हुआ है, जिसमें द शील्ड वर्सेस मैकेंटायर बॉबी लैशले और बैरन कॉर्बन के दरमियान कंफर्म हुआ है। और WWE का ये बड़ा इवेंट इस संडे 10 मार्च 2019 को खेला जाएगा। अगली अपडेट की जानिब बढ़ते हैं जो कि WWE के एक लेजेंड को लेकर सामने आई है जो WWE को छोड़ने वाले हैं, और ये हैं द लेजेंडरी कमेंटेटर जिम रोज। इनका WWE के साथ मुआहदा 29 मार्च 2019 को ख़त्म होने वाला है और इन्होंने अपना मुआहदा रीसाइन करने से इनकार कर दिया है। जिम रोज को 2007 में WWE की हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल किया गया था। और फाइनल अपडेट की जानिब बढ़ते हैं जो कि ऑल एलीट रेसलिंग से आई है। पिछली वीडियो में आपको AEW के पहले शो के तमाम मैचेस और तारीख का बता चुका हूं मैं, और इसके अलावा अगले शो का नाम भी बताया था। इसको लेकर एक और बड़ी न्यूज़ आई है, AEW का दूसरे शो फाइट फॉर द फॉलन की डेट और वेन्यू भी कन्फर्म हो चुका है जो कि होने वाला है 13 जुलाई 2019 को, जो कि होगा जैक्सन वाइल फ्लोरिडा में और इसका मुकाम होगा डेली प्लेस। और अगर आप AEW के पहले शो के बारे में मुकम्मल डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नाजरीन, फास्ट लैन से मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और WWE का ये इवेंट की बहुत ज़्यादा अहमियत इस वजह से भी है क्योंकि यहाँ से WWE रसलमीनिया के बड़े इवेंट के लिए लाइनअप तैयार करेगी।